हेलो एंड वेलकम एवरीवन। थोड़ा शब्द बहुत बहुत स्वागत है जी अपने इस यूट्यूब चैनल मेरिटोरियस स्टूडेंट ओनली ते। सो जिमें कि तुहानू पता ही है कि हुण आपां NMMS दे एग्जाम की प्रैपरेशन कर रहे हैं। सो इस एग्जाम दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हुंदा है सीरीज़ का। अगर अजे तुहानू पेपर पैटर्न के बारे नहीं पता तो यह बैटर होएगा कि तुसीं साडे चैनल ते एक बार विजिट करो, तुहानू उत्थे बहुत सारियां वीडियोज़ मिल जाणगीआं जिहदे विच NMMS दे विच किस तरीके का पेपर आउंदा उहदे बारे पूरे डिटेल दे विच आपां ने गलबात कीती हुई है। अगर तुहानू नहीं पता तो मैं ब्रीफली छोटी जी इनफॉर्मेशन इत्थे दे दिंदी हाँ कि NMMS दे विच बेसिकली दो टैसट हुंदे ने। एक नूं आपां मैट कहिंदे आ जिहदे विच तुहाडा मैंटल अबिलिटी का टैसट आ जाता, एक नूं आपां सैट कहिंदे आ जिहदे विच जिहड़े तुहाडे सबजैक्ट ने जिवें कि तुहाडा विज्ञान यानी कि साइंस हो गया, मैथमैटिक्स हो गया या समाजिक सिक्ख्या, जिहड़े इह तीन सबजैक्ट ने सत्तवीं ते अठवीं दे सिलेबस वाले उह आउंदे ने। अज का जो अपना फोकस है वो मैट पर है, यानी अज आप मैंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे बहुत डिटेल गलबात करांगे। मैट का अजे सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है सीरीज़, बिकॉज एटलीस्ट 50 मार्क्स की सिर्फ सीरीज़ ही आदियां ने, लेकिन कई बार बच्चों को टफ लगदियां ने। क्यों? क्योंकि हर एक सीरीज़ के कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होंगे, असी वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। सो रजे अज आप शुरू कर जा रहे हैं टॉप 50 सीरीज़ की एक पूरी की पूरी सीरीज़। ये मेरा मेन टारगेट की है, एक तो PYQ करवाने। PYQ का मतलब की होंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने, क्योंकि जोड़े पेपर ने वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बहुत प्रभावित होंगे ने। जिस तरीके के पैटर्न, जिस तरीके का पेपर पैटर्न होंगे उस तरीके दे ही देखने मिलते हैं। सो सीरीज़ के दो चीज़ा पता होनी चाहिए ने। पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए है कि किस तरीके दीरीज़ आदि ने, ठीक है। पहली सीरीज़ होंगी है रजे, जिम्मे मान लो तो दिता 1, 2, 3, 4 और फिर तुम इतने खाली थान देती। हूँ इतने तुम्हें दसना है कि ये वाली खाली थान के आऊगा। तुम इतने पैटर्न देखिया कि मैम इतने 1, 1, 1 प्लस हो रहा है, तुम कहोगे मैम 1 च 1 प्लस होया, 2 आ गया, 2 के एक जोड़िया 3 आ गया, 3 च 1 जोड़िया 4 आ गया, तो 4 च 1 जोड़ा तो 5 आ जाऊगा। इनू आप कहने फिल इन द ब्लैंक भरना, या फिर जो सीरीज़ नहीं दिती हुई उन्होंने तुम्हें कंप्लीट करना। एक की होंगी है रजे, रोंग सीरीज़ तुम्हें दिती होंगी है, तुहानू रोंग सीरीज़ दिती हुंदी है, तुसी आइडेंटिफाई करना कि वह पूरी सीरीज़ के रोंग नंबर की है। फॉर एग्जाम्पल तुहानू दिता होया 1, 2, 3, 4, 5 और फिर तुहानू 7 देता, तुहानू एक हुण तुहानू इत्थे कुछ पता नहीं करना, कोई फिल इन द ब्लैंक नहीं दिती हुई। इस सीरीज़ के तुसी दसना किहड़ा वाला जिहड़ा नंबर है गलत है। तुसी देखो पैटर्न देखो की बन रहा, 1 च 1 ऐड होया 2 आ गया, 2 च 1 ऐड किया 3 बन गया, 3 च 1 ऐड किया 4, 4 च 1 ऐड किया 5 आ गया, तो जो 5 च 1 ऐड करा तो इतने 6 आना चाहिए सी, लेकिन इतने किन्ना दिता हुआ 7। यदा मतलब यही नंबर साडा की है गलत है और यही साडा की आ जाएगा आंसर आएगा। हुण रजे एक तो सीरीज़ के पता होना चाहिए, तो नीयर अबाउट 20 तक स्केयर याद होने चाहिए ने। स्केयर जिन्हों आपी वर्ग कहने, वर्ग किमें जिमें उ डबल गुणा कर दिया, जिमें 10 10 100 हों, 11 11 121 12 12 144 उस तरीके से सारे स्केयर तो एटलीस्ट याद होने चाहिए ने। फिर तो नंबर सिस्टम बारे पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम यानी साड़ी संख्या प्रणाली है ना, के भाज संख्यावां केड़ियां ने, टांग संख्यावां, जिस्त संख्यावां, उन्हां दे भी पुछे जाते हैं। दूसरी चीज़ राजे, ये तो सीरीज़ आउंदियां ने, कई बार इहदे च नाल अल्फाबैट, कई बार तो कि हमेशा ही आते हैं अल्फाबैट होंगे ने, जिहड़े इंग्लिश दे साडे लैटर्स ने उन्हां दे नाल भी पैटर्न बनाया हुंदा। जिवें फॉर एग्जाम्पल मैंने इत्थे लिखिया ए, फिर आपां लिखता सी, फिर आपां लिखता ई, फिर की आएगा? तुहानू पता इत्थे ए है, बी नूं छड्ड के सी लिखिया, डी नूं छड्ड के ई लिखिया, तो अगे एफ नूं छड्ड के इत्थे की आ जाएगा? जी आ जाएगा। सो मैं उम्मीद करती हाँ राजे कि तुहानू सीरीज़ बारे मोटा मोटा सारा कुछ पता चल गया होएगा कि सीरीज़ असल च की हुंदियां ने। बस कुछ नहीं, पैटर्नस हुंदे ने, पैटर्नस असी आइडेंटिफाई करने ने और वो पैटर्नस नूं आइडेंटिफाई करके असी आंसर्स तक पहुँचांगे। सो बिना किसी देरी दे आप शुरू करते हैं अपनी टॉप 50 सीरीज़ की पूरी की पूरी सीरीज़। सो रजे फर्स्ट सीरीज़ नूं तुसीं ध्यान नाल देखो, तुहानूं पहले इत्थे 3 दिता, फिर 6, 18, 72। किसी ना किसी तरीके अपने यह पैटर्न पता करना ये जरूरी है। जो पहाड़े ने, जो अपने टेबल्स ने, तुहानूं थोड़े जे उन्हां दी अच्छी समझ होनी चाहिए ताकि देख के आप पता कर सकीए भी 3 नाल आप इदां दा की करिए कि साडे कोल 6 बन जाए, 6 नाल की करिए 18 बन जाए। तुहानूं सब नूं पता है कि 3 दे टेबल ते 6 आंदा है, 6 दे टेबल ते 18 आंदा है। चलो पैटर्न बनाउणा शुरू करदे हां। देखो 3 नूं 6 बनाउण दे
ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਦੂਣੀ 6 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 6 ਤੋਂ 18 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 6 ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ 18 ਤੋਂ 72 ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 18 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 18 ਚੌਕ ਕਿੰਨਾ 72 ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ 72 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਜੇ 72 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ 72 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 ਟੂ ਦਾ 10 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਬਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 5 ਦੂਣੀ 10 ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ 0 ਇੱਥੇ ਆਈ ਕੈਰੀ 1 ਹਾਸਲ 1 ਚਲਿਆ ਗਿਆ 5 7 ਆ 35 ਤੇ 1 36 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 360 ਔਰ 360 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ OMR ਸ਼ੀਟ ਮਿਲੀ ਹੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ B 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 360 ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ A B C D ਕਰਕੇ ਗੋਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ B ਵਾਲਾ ਸਰਕਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੋਗੇ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋਗੇ ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਰਾਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 40 19 116 125 136 ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਗ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵਰਗ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ 1 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1 2 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਦੂਣੀ 4 ਫਿਰ 3 ਦਾ ਵਰਗ 9 4 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 16 5 5 25 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 1 1 1 ਤੇ 1 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 4 ਹੈ 4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 9 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ 16 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਆ 16 ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 4 ਦਾ ਵਰਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 25 ਕੀ ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 5 ਦਾ ਅਤੇ 36 ਕੀ ਦਾ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ 6 ਦਾ ਅਰੇ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ 2 ਸਕੇਅਰ ਫਿਰ 3 ਦਾ ਫਿਰ 3 ਦਾ ਵਰਗ 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 5 ਫਿਰ 6 ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 1 1 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ 6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 7 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਆਊਗਾ ਅਤੇ 7ੋਂ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 49 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 49 ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ 149 ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਆਈ ਹੋਪ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੌਖੀਆਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ 3rd ਸੀਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1 ਤਾਂ 4 6 8 ਅਤੇ 10 ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 6 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ 8 'ਚ 2 ਐਡ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 10 ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਿਲਣਾ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ 12 ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਹ 4 ਹੈ ਇਹ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਦੀ ਗੁਣਾ ਇਸ 4 ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਚੌਕਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 20 ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ 7ੋਂ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 42 ਅਰੇ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਬ ਹਮਨੇ 8 ਮੇਂ 1 ਐਡ ਕੀਆ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ 9 ਆ ਗਿਆ ਔਰ 9 8 ਕਾ 72 9 8 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 72 ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਐਡ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਆ ਗਿਆ 11 ਦੀ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11 ਦਾ ਹਾਂ 110 ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਜੀ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਕੁਐਸ
क्वेश्चन की है 23, फिर 29, 31, 37, 41, 43 ते फिर अगे खाली थां भरनी है। जदों तुसीं ध्यान नाल देखोगे तो तुहानूं पता है कि 23 तो 29 तक जाने लई कुछ मल्टीप्लाई दा तां चल नहीं रहा पैटर्न, ठीक है। कुछ प्लस करके देखो तो वह भी कोई सीन जिहा लग नहीं रहा, कुछ पर्टिकुलर नंबर ऐड हुंदे दिख नहीं रहे। फिर की करांगे, याद होएगा वीडियो की स्टार्टिंग मैं तुहानूं कहा सी कि तुहानूं थोड़ा जिहा नंबर सिस्टम बारे पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम यानी कि अपनी संख्या प्रणाली, ठीक है। सो राजे साडे कोल एक नंबर हुंदे ने जिन्हां नूं आपां प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर नूं पंजाबी च की कहिंदे मेरे दिमाग चों निकल गया, लेकिन मैं तुहानूं एक्सप्लेन करदी हां, तुसीं समझ जाओगे कि कीड़े नंबर हुंदे ने। प्राइम नंबर ओह नंबर हुंदे ने जिन्हां दे सिर्फ दो फैक्टर हुंदे ने, सिर्फ दो गुणनखंड होंगे ने। प्राइम नंबर वह नंबर होंगे ने जिन्हों के सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होंगे ने। फॉर एग्जाम्पल जिमें मैं लिखिया 2, तो 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 एक 1 के टेबल पर आता है, तो 2 एक अपने टेबल पर आता, उस तो इलावा 2 किसी होर के टेबल पर नहीं आता। उस तरीके 5 देख लो, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तुम मैं कमेंट सैक्शन दस दौ राजे प्राइम नंबर पंजाबी की कहते हैं, मेरे माइंड चो स्किप हो गया। उस तरीके 5 भी की है एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि 5 एक तो एक दे पहाड़े चाहता, तो एक खुद के पहाड़े चाहता। सो ओ वाले नंबर जेडे एक दे टेबल पर आते हैं और एक अपने ही पहाड़े पर आते हैं, उन्होंने प्राइम नंबर कहा जाता है, ठीक है। और उस तो इलावा कई सारे बच्चों में इदा गलत फहमी होंगी है कि जोड़ा एक है वह प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन राजे एक सिर्फ अपने ही पहाड़े पर आता है, या तुम कह लो कि यह सिर्फ अपने ही उसे टेबल पर चलता है, ये दो फैक्टर नहीं है, तो करके एक प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि प्राइम नंबर की जरूरी कंडीशन की है कि वो दो फैक्टर होने चाहिए ने, लेकिन एक का फैक्टर सिर्फ एक है, इस करके एक प्राइम नंबर नहीं है। सब तो छोटा प्राइम नंबर कौन होंगे? 2, ठीक। तुम्हें प्राइम नंबर समझ लग गया। हम थोड़ा जहा पैटर्न देखो, देखो 23 की है एक प्राइम नंबर है, क्योंकि 23 किसी के टेबल पर नहीं आता, एक दे पहाड़े पर आता और एक अपने पहाड़े पर आता। उस तरीके 29, 31, 37, 41, 43, हुण तुहानू पता लग गया कि प्राइम नंबर चल रहे हैं। तो 43 तो अगला प्राइम नंबर की होएगा? 43 तो अगला प्राइम नंबर होएगा राजे 47। अगर तुहानू नहीं पता तुसीं इत्थे लिख लो 44, 45, 46, 47, थोड़े नंबर लिख लो। हुण देखो 44 तो 2 दे टेबल पर आ जाएगा, आह वाला 2 दे टेबल पर आ जाएगा, आह वाला 45 5 दे टेबल पर आ जाएगा, 46 जिहड़ा हैगा वह 6 दे टेबल पर आ जाएगा, ठीक है। पर 47 किसी के टेबल पर नहीं आता, इस करके अगला नंबर 47 आना सी। इस लिए जरूरी है कि 1 तो लैके 100 तक तुसीं ना एक बार प्राइम नंबर देख जो, या फिर अगे अगे तुहानू मैं ही करवा देने ने। बस वो लिए जरूरी है कि तुसीं ज़्यादा बच्चे इकट्ठे होवो, सो दैट आप लाइव क्लासेस लैके तुहानू होर अच्छे तरीके नाल एक्सप्लेन कर सकीए। सो हुण आपां नैक्सट सीरीज़ देखते हैं। सो राजे इस दे नाल ही आपां अज अपनी क्लास की लास्ट सीरीज़ ते पहुँच चुके हैं। अगर टॉप 50 सीरीज़ है तो मतलब यही नहीं कि आप एक क्लास ही कर लेंगे, छोटे छोटे पार्ट के विच करांगे, क्योंकि वीडियो बनाने तो बाद मैंने अपलोड भी करनी होंदी है और मोबाइल डाटा पर अपलोड होना थोड़ा जहा मुश्किल काम होंदा है, इसलिए आप छोटी छोटी वीडियोज़ रख रहे हैं। और हो सके तो आप टॉप 50 सीरीज़ को टॉप 100 या टॉप 200 सीरीज़ भी लैके जा सकते हैं, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस कि तुहाडी प्रैक्टिस कितनी होंदी है, ठीक है। सो हुण तुसीं देखोगे कि ए वाली सीरीज़ के विच मैं कोई खाली थान नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि इतने तुसी ने राजे की करना है, इतने तुसी ने रोंग सीरीज है, ये अपन रोंग सीरीज दिती हुई है। अपन ने रोंग सीरीज के विच दसना कि केड़ा इन्हां दे विचों केड़ा अंक है, केड़ा नंबर है जिहड़ा गलत है, ठीक है। हुण इहदे विच सानूं पैटर्न बनाउणा पएगा। असीं देखदे हां 2 तों 5 तक जाण दे लई असीं की कर सकदे हां। ध्यान नाल देखो कि जिहड़ा अगला नंबर है, अगर आपां इह फर्स्ट नंबर दी 2 नाल गुणा करिए, उहदे च एक ऐड हो रहा। जिवें अगर नहीं समझ लग्गिया, समझो मैं की कह रही हां। अगर इस 2 नूं मैं 2 नाल मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4 और 4 दे विच एक जोड़ा, तो मेरे कोल 5 आ जूगा। इस तरीके नाल 11 आऊगा। अगर मैं 5 नूं 2 नाल गुणा करा, 10 आ गया, 10 दे विच एक जोड़ता 11 आ गया। हुण इसे पैटर्न दे हिसाब नाल चलदे आ आपां, क्योंकि जदों 2 वारी चीज़ां मतलब 2 वारी सेम पैटर्न बने मतलब उही पैटर्न बन रहा, ठीक है। हुण राजे अगर आपां 11 तों अग्गे जाणा है, इहदा मतलब 11 दी 2 नाल गुणा करके एक नंबर ऐड हो रहा। सो 11 दी 2 नाल गुणा करके 22 आऊगा, तो 22 च एक जोड़ के किन्ना आ गया? 23 आ गया। पर अरे इत्थे तां 24 आया, इहदा मतलब सानूं साडा नंबर मिल गया कि यह नंबर गलत है, इहदी जगह 23 आना सी। लेकिन 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 हजे इन्नी श्योर नहीं होना, जो चीज़ तुहानूं मिली है अगले पैटर्न ते ला के देखो कि वह सही बन रही है।
पैटर्न के हिसाब नाल 23 दे विच दो गुणा करके एक जोड़न ते 47 बनना चाहिए कि बन रहा 23 दी गुणा जो दो नाल कीती हुण ऐं करनी है देखो 2 3 दा 6 फिर 2 नूं 2 नाल करके 4 आ गया 46 ते एक किन्ना बनूगा 47 95 चेक करना कर सकदे हो अदरवाइज रहन दिओ 47 दूणा 94 हुंदा 94 च एक जोड़ के 95 आ जूगा सो इस तरीके नाल साडा इह की हो गया राइट आंसर की हो गया 24 अच्छा हुण बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जांदे ने फॉर एग्जाम्पल तुहानूं ऑप्शन ए देती 11 ऑप्शन बी देती 47 ऑप्शन सी देती 24 ऑप्शन डी देती 23 तां हुण तुहानूं पता है कि 24 जिहड़ा गलत नंबर है उहदी जगह सही की आना सी 23 बच्चे इत्थे गलती की कर दिंदे ने आंसर 23 ला आउंदे ने जी नहीं उहनां ने सानूं पुछिया कि इहनां दे विच रोंग नंबर किहड़ा है जिहड़ी इहदे विच इस सीरीज़ दे विच जिहड़ी एक नंबर गलत फिट होई हुई है उह दस्सो तां गलत फिट 24 होया होया इसे करके साडा आंसर 23 नहीं ऑप्शन नंबर सी 24 है आई होप रजे यह सीरीज़ तुहानूं अच्छिया लग रही होणगियां इंट्रस्टिंग लग रही होणगियां हुण आपां अगली वीडियो दे विच नेक्स्ट पार्ट लेके आवांगे पार्ट 2 ऑफ टॉप 50 सीरीज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन।